बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हातिम मोहम्मद है, सेक्टर 1 पखनाबाद मंगोपुर कराची एनएपी सेंटर से। तो आज मुझे इंग्लिश में स्पोर्ट डेज चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर है 8। तो इसको हमें आज एक्सप्लेन करना है, जो कि इसमें मेरे पास टीचर गाइड में खासतौर लेसन प्लान की तरह इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स यहाँ पे हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कि इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, रिकग्नाइज मीनिंग ऑफ कॉमन एडवर्ब्स। सेकंड हमारा वो है पॉइंट है, रिकग्नाइज एंड यूज जॉइनिंग वर्ड्स कंजंक्शन एस एंड आर बट। ऑप्शन नंबर 3 पर है हमारे पास एक्सप्रेस ओपिनियंस, और नंबर 4 पे है हमारे पास कंप्लीट अ सिंपल पैराग्राफ बाय फिलिंग मिसिंग इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग द गिवन वर्ड्स पेरेंट्स एंड सेंटेंस। और हमारे पास पांचवा है रीड सिंपल टेक्स्ट विद कंप्रिमेशंस। तो तरह करते हैं कि हम आगे इस 5 पॉइंट पर मज़ीद जाएंगे इस चैप्टर पे। तो हमारे पास एक स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स डे का एक वो है हमारे पास स्टोरी है, और दूसरी स्टोरी है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ माय फैमिली। तो लिहाजा हम इस स्टोरी को तो लाजमी स्किप करेंगे। हमारे पास इस पॉइंट के हवाले से हमारे पास एक एडवर्ब है, और एडवर्ब की कुछ खसूसियात और इसकी फिल इन द ब्लैंक से, और इसी तरह एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन की इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ सेंटेंस हैं। तो हम इस लिहाजा इस दो टॉपिक्स पर जो है हम बात करेंगे, एडवर्ब और कंजंक्शन। तो चलते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब मिसाल के तौर पर वो लफ्ज़ है जैसे हम किसी भी यानी काम की सिफत को जब जाहिर करते हैं तो उसको हम एडवर्ब कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी काम की खासियत को जाहिर करना, कि कोई भी जुमला हो जिससे हमें उस खासियत जाहिर हो, सही, या हम अपनी तरफ से कोई जुमला बनाते हैं तो उसमें एक खासियत ज़रूर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर सबसे किताब में भी हमारे पास है ही हेल्प हिज ग्रैंडफादर हैप्पीली। इसमें क्या है, ही हेल्प्स वो यानी मदद करता है हिज ग्रैंडफादर की हैप्पीली खुशी से। तो वो क्या कर रहा है, वो मदद कर रहा है, वो मदद कर रहा है किसकी, ग्रैंडफादर की, और किससे, हैप्पीली यानी खुशी से, किससे, खुशी से। तो ये हमारे पास एक एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। ये फिर इसको किया है मैं इसको ज़्यादा बोल कर देता हूँ। ये हैप्पीली जो है ये हमारे पास क्या हो गया, ये काम तो हमारे पास वैसे भी है मदद, क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, तो इसी लिहाज से हैप्पीली यानी खुशी से कर रहा है, काम कर रहा है, एक बढ़ चढ़ कर कर रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ चढ़ कर रहा है। इसीलिए हम इस वर्ब को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, एडवर्ब। दूसरा हमारे पास क्या है, दे वॉच टेलीविजन क्वाइटली, दे वॉच टेलीविजन क्वाइटली। अब वो क्या कर रहे हैं, वो टेलीविजन देख रहे हैं खामोशी से, वो टेलीविजन देखते हैं खामोशी से। तो अब बात ये है, देखते तो सब हैं, टेलीविजन को सब देखते हैं, इसमें खासियत क्या हो गई, क्वाइटली, किससे, खामोशी से, किससे, खामोशी से, हैप्पीली खुशी क्वाइटली खामोशी से। ये भी टीवी देख रहे हैं खामोशी से देख रहे हैं, कोई जो है ना शोर शर की भी देख सकते हैं, कि कुछ और भी कर सकते हैं, मगर इसमें खासियत क्या है, खामोशी से वो टीवी देख रहे हैं। कोई टीवी के साथ बोलचाल भी कर सकते हैं, कुछ पढ़ भी सकते हैं, कुछ और बातें भी कर सकते हैं, इससे वो सिफत जाहिर हो रही है कि वो खामोशी से कर रहे हैं। नंबर 3, यू टॉक लाउडली, यू टॉक
लॉर्डली, लॉर्डली बुलंद आवाज, सही, या जोर से, क्या, या जोर से, तो यू टॉक, आप बात कर रहे हैं बुलंद आवाज से, आप बात कर रहे हैं बुलंद आवाज से, अब बात सभी करते हैं, बात सब करते हैं, मगर इसमें खासियत क्या होती है, अगर कोई इस तरह कहे कि मिसाल के तौर पर यू टॉक लॉर्डली, ये क्या है, बुलंद आवाज, ठीक है, और कोई यहाँ पे लॉर्डली की जगह हम स्लोली कर दें, क्या है, स्लोली यानी आहिस्ता से, क्या, कम आवाज में, स्लोली मिसाल के तौर पर यानी कम आवाज पे, तो ये लॉर्डली इसको अगर हम स्लोली भी करते हैं तो क्या होगी, इसकी खासियत होगी, या तेज या कम, ऊपर नीचे, हम किसी भी चीज के बारे में, किसी भी काम के बारे में जब हम बात करेंगे, जब उसकी खासियत होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। यू लॉर्डली, आप बुलंद आवाज से बात कर रहे हैं। वी गो टू स्कूल, अब ये एक जुमला है, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, अब उसमें खासियत क्या बन रही है, वी गो टू स्कूल डेली, वी गो टू स्कूल डेली, डेली क्या है, रोजाना, क्या है, रोजाना, यानी हम स्कूल जाते हैं और रोजाना जाते हैं, क्या करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, रोजाना जाते हैं, तो ये हमारी खासियत हो गई कि हम स्कूल जाते हैं रोजाना। पांचवा क्या है, आई फिनिश माई होमवर्क क्विकली, क्विकली देख लो, क्विकली माने जल्दी या तेजी से, या तेजी से, आई फिनिश माई होमवर्क, मैं ख़त्म करता हूँ मेरे घर के काम को, मैं ख़त्म करता हूँ मेरे घर के काम को क्विकली, जल्दी से करता हूँ या तेजी से करता हूँ, अब घर का काम तो ख़त्म तो वैसे भी करना है उसको, या जिसने जिसने भी लिखा है मुझे, या किसी को घर का काम है, कोई करता है, कोई आहिस्ता करता है, कोई दरमियाना से, मकसद किस तरह भी करता है, एक क्विकली की जगह पे भी हम अगर कोई वो कर देते हैं स्लोली, जिससे बिल्कुल आहिस्ता, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, क्विकली जल्दी से होगी, क्या होगी, जल्दी से, यानी मैं घर का काम ख़त्म कर रहा हूँ जल्दी से, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, सेंटेंस बन रही है, जुमला हमारे पास बन रहा है, इसमें क्या है, ये एडवर्ब, ठीक है, और जिसको मैं दे रहा हूँ ये क्या है, ये वो है एडवर्ब है। आखिरी हमारे पास क्या है, दे लॉस द मैच बैडली, क्या है, बैडली, यहाँ पे कहूँ बैडली, दे लॉस, वो हारे, द मैच, वो मैच हारे, बैडली कैसे, बुरी तरह से, वो मैच हारे बुरी तरह से, ये बुरी तरह जो है ये क्या है, खासियत है इसकी, क्या है, खासियत है, ठीक है, तो आगे मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ, नेक्स्ट, तो दूसरा हमारे पास, दूसरा जो वो है हमारे पास क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन को हम मजमुआ भी कह सकते हैं, क्योंकि मजमुआ है, इसकी आसान अल्फाजों में अगर इसकी तारीफ बनाएं तो कंजंक्शन वो अल्फाज है जो के किसी भी दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, जो दो जुमलों हों जिसको आपस में मिलाते हों उसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन, कंजंक्शन के लिहाज से जो कंजंक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एंड बट आर बिकॉज, एंड बट आर बिकॉज, इसको हम कंजंक्शन के वो करते हैं, ये कंजंक्शन के क्या है, रूल है कि किसी भी दो जुमलों के दरमियान कोई ऐसा वर्ड आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन, जैसे हमारे पास फेवरेट जुमला है, सेंटेंस है, ये क्या है, द लाइक येलो, द लाइक येलो एंड ग्रीन कलर्स, द लाइक येलो एंड ग्रीन कलर्स, पसंद करता हूँ येलो यानी सर, एंड एंड क्या है, और ग्रीन कलर क्या है, ये क्या है, पीला है, ठीक है, पीला, और
ये और जो है ये किस में आ गया, कंजंक्शन में आ गया, यानी पीला कलर है ग्रीन तो सब कलर है, ठीक है, ये येलो एंड ग्रीन, ये एंड जो आ जाता है तो ये क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया। अब ये सेंटेंस है, अगर ये एंड ना आता तो ये येलो ग्रीन वगैरह ये मकसद में जो सेंटेंस सही नहीं बन रहा, तो यहाँ तक ये येलो आ गया, उसके साथ हम एक और ऐड कर रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं, जब जोड़ते हैं हम जुमले के साथ कुछ और अल्फाज या कुछ और छोटा सा जुमला हम उसके साथ जोड़ते हैं, तो उस जोड़ को क्या कहते हैं, उस जोड़ को कंजंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, कंजंक्शन। दूसरा मिसाल हमारे पास है, ही हिट्स द बाल, ही हिट्स द बाल, वो बाल को क्या करता है, हिट करता है यानी मारता है, बट क्या है, लेकिन, बट लेकिन, लेकिन ही डज मेक रन्स, लेकिन वो रन लेता है, लेकिन वो रन्स बनाते हैं या ले लेते हैं, तो ही हिट्स द बाल यानी वो बाल को हिट्स करता है या मारता है, ही डज मेक रन्स, वो क्या करते हैं, रन लेते हैं या बनाते हैं। तीसरा देखो हमारे पास, वी रीड एंड राइट, वी रीड एंड राइट इन द स्कूल, इन द स्कूल, स्कूल में, हम स्कूल में क्या करते हैं, एक तो रीड करते हैं, क्या करते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं, दूसरा क्या करते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं, तो ये दोनों कामों को, इस दोनों कामों को इसने क्या किया, एंड में दोनों को बना दिया, क्या क्या बना दिया, वी रीड एंड, ये एंड जो है क्या है, ये है कंजंक्शन, वी रीड एंड राइट इन द स्कूल, ये हमारा सेंटेंस बन गया। चार, शी इन द किचन, शी सॉरी शी इज इन द किचन, शी इज इन द किचन आर बेडरूम, वो किचन में है, वो किचन में है, यहाँ तक क्या है, वो किचन में है आर या बेडरूम में, या बेडरूम में यानी कमरे में, तो ये आर ये क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया। आई एम लेट, आई एम लेट बिकॉज, बिकॉज क्या, क्योंकि, बिकॉज आई हैड, आई हैव हेड एक, आई हैव, हाँ आई हैव हेड एक, सर दर्द, क्या है ये, सर दर्द, तो आई एम लेट, मैं लेट हूँ क्योंकि मेरे सर में दर्द है, क्योंकि मेरे सर में दर्द है, तो ये आ गया, ये आ गया और ये, तो कंजंक्शन का अगर हम देखा जाए तो कंजंक्शन का वो कितनी चीज़ें हैं, एक सबसे पहले क्या है एंड, और उसके बाद क्या आता है बट आर, और क्या है बिकॉज, बिकॉज, तो ये चीज़ें हैं अपने एक दो तीन चार, बस ये चीज़ें किस में आते हैं, कंजंक्शन में, जो कि दो जुमलों को आपस में बनाते हैं और या मिलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन। और हमारे पास इससे पिछले क्या था, एडवर्ब, जिसमें यानी हम किसी भी उसको काम की खासियत को जाहिर करते हैं, तेज़ है, ज़्यादा है, कम है, छोटा है, इस तरह के सिफत को हम जब हम जाहिर करते हैं तो उसको एडवर्ब कहते हैं, और ये क्या है, कंजंक्शन, किसी भी दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन, ठीक है, थैंक यू सो मच।